सो गाइस हम लोग फिर से रेडी हैं और अब हम लोग भैया विजय भैया कहाँ जा रहे हैं अभी हम लोग एक झरना देखने जा रहे हैं मैडम। हाँ तो अभी हम लोग एक वाटरफॉल देखने जा रहे हैं। ये विजय भैया हैं जिनके हम घर पे रुके हैं और अभी भैया लेके जाएंगे हमें। यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है भैया? लगभग 5 किलोमीटर पड़ेगा। सो 4-5 किलोमीटर का ट्रैक हम लोग अभी करेंगे और फिर हम पहुंचेंगे वाटरफॉल के पास। अरे मैं एक चीज बताना भूल दे रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। जो 5 किलोमीटर बोलते हैं ना वो 5 डबल हो जाता है। अच्छा 10 अच्छा 10 ओहो चलो अभी लेट्स सी तो फुल वेट लॉस हो जाएगा आज मेरा। चलो दोस्तों फिर चलते हैं। ये भी जाएगा हमारे साथ। इसका क्या नाम था? टोनी। टोनी ये क्या है? तुलसी। तुलसी अच्छा। सो अब हम लोग लगातार रास्ते में जा रहे हैं। काफ़ी डिस्टेंस है इसमें काफ़ी। अभी तो हम लोग नीचे उतर रहे हैं तो जाते वक्त शायद इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन आते वक्त मैंने कहा बैंड बजेगी हमारी। बिल्कुल जंगल के बीचों बीच हैं हम लोग। डेंस फॉरेस्ट। गिर तो नहीं जाऊंगी। कंपेयर करने के लिए कौन रहा? तो क्योंकि लोकेशंस काफी अटपटी हैं पर आई थिंक ये एक्सप्लोर करने में बहुत मजा आ रहा है। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल लोकेशन। अरे राजू आगे आगे भागा जा रहा है। तो अभी हम लोग इसको पार करने की जगह ढूंढ रहे हैं। मेरे ख्याल से ना इधर वहां वैसा होगा। हाँ वहां से क्रॉस हो जाएगा। और ठीक है राजू डंडा लेके आता। तो अभी जा कहाँ रहे हैं? अरे बाप है। सो अभी हम लोग चलते चलते हम लोग यहाँ पर रुके हैं तो थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं और ये कुछ रास्ते में फूल मिल रहे हैं मैंने वो भी लगा लिए। सो रेस्ट कर रहे थे लेकिन अभी हम चलेंगे दोबारा। अभी हम दोबारा फिर से चल रहे हैं जंगल के बीचों बीच दोस्तों।
है, दुल्ला नहीं आने का है, इधर ही रुकने का है। तो गाइस ये वो जगह है जिसके लिए हम इतनी दूर से चल के आए हैं। बहुत ही अमेजिंग जगह है, वेरी वेरी पीसफुल। अभी हम नीचे उतरेंगे और नीचे से भी आई विल शो कि ये कैसा दिखता है। वो उधर आगे क्या करने गया? वो रास्ता देखने गया। रास्ता देख कर लो, वहां से फोटो ले लेंगे ना। गाइज ये वो जगह थी जिसके लिए हम इतनी दूर से ट्रैक करके आए हैं। विजय और पूरी टीम यहाँ पे बैठ चुकी है। गाइज अभी हम लोग वापस आ रहे हैं और बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। जंगल में झिंगुर बोलते हैं इनको जी। उनकी आवाजें आ रही हैं, काफी डरावना सीन बना रहे हैं झिंगुर। हमारी वीडियो में भी कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि इतना अंधेरा है। सो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं गुड़िया पदर। हाँ, ये आगे हम लोगों ने टॉर्च भी जला ली है और फिर आज हमारा वहीं पे नाइट स्टे है और कल सुबह जाएंगे हम। पत्ते भी अपन तोड़ रहे हैं। खाने के लिए पत्ते तोड़ रहे हैं। हाँ। इस पे रख के खाना खाएंगे। इसको सिहाड़ी बोलते हैं, ये वाला पत्ता है। इस तरीके का चौड़ा पत्ता रहता है और काफी अच्छा रहता है, इसमें टेस्ट चेंज हो जाता है। चलो बढ़िया। सो दोस्तों बहुत अंधेरा हो चुका है, टॉर्च की मदद से अब हम लोग जा रहे हैं वापस और पास में ही हैं, पहुंचने वाले हैं। तो गाइज अभी हम लोग वापस आ चुके हैं अपनी लोकेशन पे, घर पे। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो इस तरीके से सोलर लाइट्स विजय यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लोग इस तरीके से बैटरी वाली सोलर लाइट्स यूज़ करते हैं और यहाँ पे आग जल रही है। हेलो आंटी। अरे ऐसा वाला कंबल हमारे पास भी है घर पे। लेके तो नहीं आ गए हमारे घर से तो नहीं लेके आ गए। तो यहाँ पे सब आग सेक रहे हैं और हम अपना पूरा मिनी ट्रैक करके आ रहे हैं, है ना शकील? और राजू ठीक हो? तो बहुत मजे आए। हेलो डार्लिंग, शक्ल दिखाओ तुम भी अपनी। क्या नाम है तुम्हारा? नाम नहीं बताती लड़की, चॉकलेट वॉकलेट नहीं देंगे अगले बार से, बातें नहीं करती, कौन दी है। सो अभी हम लोग खाना खाएंगे और विल रेस्ट। और मेरा ये पहला एक्सपीरियंस होगा। और आपको ऐसी खटिया पे सोना है? हाँ नहीं, ये तो हम लोग खुले आसमान के नीचे, सिर्फ अलाव होगा आपके पास। जी बिल्कुल। सो ये मेरा तो पहला एक्सपीरियंस होगा कि ऐसी जगह पे रहना जहाँ पे लाइट नहीं है। सो आई थिंक ये भी काफी एडवेंचरस रहेगा। बिल्ली भी है, कुत्ते भी हैं, इंसान भी है। है। ये देखो मैं वीडियो में इस तरीके से लाइट लेके आने की कोशिश कर रही हूँ। और अच्छी बात है आज यहाँ पे लाइट नहीं है, फोन भी नहीं बज रहा, ना किसी का फोन आया है, ना मैंने किसी को फोन किया है, ना इंटरनेट है। कुछ नहीं। सो
बहुत ही शांति वाला दिन रहा आज. मैं थोड़ी भूतिया लग रही हूँ, ऐसे कर देती हूँ. यस, सो अभी हम लोग खाना खाएंगे और फिर हम रेस्ट करेंगे. सो अभी हम लोग डिनर कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं और इस तरीके से खाना अभी हमें सर्व हुआ है. ये हमने कल प्लास्टिक का बाउल देखा था जो वहाँ पे बना रहे थे, और इसमें हमें अभी चावल और साथ में सब्जी है. ये बैम्बू शूट है ना? हाँ, अच्छा ये बैम्बू वाला शूट है. अच्छा, ओके. और साथ में मटर है, उसकी सब्जी है, दाल है और साथ में हमें पापड़ है. तो ये हमारा खाना है और हम इस ट्रेडिशनल स्टाइल में खाना खा रहे हैं. मेरे को